संगीत सभी के लिए एक और राष्ट्र लेकर बैक अगेन विथ दिस ब्रांड न्यू टेक। तो फाइनली वी आर बैक अगेन विद दिस ब्रांड न्यू प्लेस आई वुड से, विच इज बेसिकली जैसे कि मैंने बोला भी था कम्युनिटी ऐप में कि वी विल बी कवरिंग आउट द होल फ्रिकिंग वन ऑफ द लेजेंडरी शिट्स आउट देयर एंड कवरिंग आउट द वेरी फर्स्ट ट्रैक। यू जस्ट कांट इग्नोर दिस शिट। समझ में आया क्या भाई? ब्रदर एमए बंटाय, वन ऑफ द लेजेंडरी शिट्स बाय हिम। एंड मैं वही चीज़ बोलूंगा यार, वील बी इंजॉइंग दिस, लाइक पूरा हम लोग सीन कवर करने वाले हैं एंड वील बी इंजॉइंग इट। क्योंकि ब्रो लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट ब्रो, कुछ भी बोलो सीन तो ग्रो हुआ था उसके बाद, मानो या न मत मानो। 2018 वाज समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड या मैन दिस वाज अ वेरी ग्रेट। वो होता ना यार कि कुछ कुछ चीज़ें अच्छे होते हैं कि वो चीज़ें हो जाए, तो सेम गोज विद दिस शिट मैन। समझ में आया क्या ब्रदर एमए बंटाय, जहाँ से ये सब चीज़ें चालू हुई थी ब्रो? तो ऑल्सो कमेंट्स में ये सब मत भजना यार कि एम यू ये अवतार ये कृष्णा ये हेलैक ये वो सब। लेट्स मूव ऑन यार, लेट्स मूव ऑन, लेट्स एंजॉय दिस शिट। अब हमारी अब वो टाइम आ चुका है कि हम लोग एंजॉय करने वाले ये सब चीज़ों को। पहले उस टाइम पे 2018 पे जब हम लोग ये सुन रहे थे तब भला ही अच्छा भी लगता, बट नाउ इट्स टाइम टू एक्चुअली एंजॉय एंड लेट्स वाइब टू द ट्रैक एंड लेट्स लिसन टू सम ओजी एम यू वे शिट मैन। इट्स सम ओजी एम यू वे शिट मैन, जब उसके पास कुछ नहीं था ब्रो। ब्रो मोटिवेशन ब्रो, हक से मोटिवेशन ब्रो। तो चैनल पर नेवर आप भी मेरे फैंस हो, जस्ट ग्रैब द सब्सक्राइब बटन क्योंकि ऐसे जो मिशन लाता था और हमारा वीडियो पसंद आता लगता हूँ जरूर से कर देना। तो या लेट्स हॉप इन स्ट्रेट इन टू द वीडियो एंड लेट्स फील सम नॉस्टैल्जिया मैन एंड बट स्टार्ट इन 3 2 1 लेट्स गो। रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं, बी ऑनेस्ट। एमवी जो है वो अपनी तरफ से सब लगा हुआ है कर रहा है, बट ही इज नॉट अर्निंग राइट नाउ। वो जब बहुत सारा अपना खड़ा कर लेगा, एक एम्पायर होएगा, तो उसको शूज के मिलेंगे। मानेंगे अवतार का इंटरव्यू देखा मैं उसमें, उसने बोला एमवी कमाया क्या, मेरे वीडियो पे जो भी पैसा मैंने लगाया वो सारा पैसा बंटाए तूने लगाया क्या, मैंने कमाया क्या, मैंने गवाया क्या, मांगने को पैसा मैं घर तेरे आया क्या, हमें आया था तोहफा साथ लाया था, भाई मानता था और तूने बताया क्या, एमवी कमाया क्या, मैंने जनता कमाया छोटे, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। 101% on the biggest. Hey, Divine. तू खुद को बड़ा बोले मजाक क्या? लेबल से आने के बाद तेरा काम बना, लेकिन मेरा नाम और बंटाई से बना क्या, बिगेस्ट है तो तेरे सामने ही बहुत सारे वोट्स के पीपल चॉइस अवार्ड उठाया क्या? साइन होना बुरा नहीं, लेकिन मेरे होते हुए खुद को बड़ा बोलना नहीं, बोलने का है तो फिर असली इंडिपेंडेंट बनके दिखाने का, सोना चढ़ाने का, गहना लगाने का, हर महीना मेरे जैसा बंटाई वीडियो बनाने। जिस लेवल पे एमवी ने इस चीज को फ्लेक्स किया है ना कि एम एन इंडिपेंडेंट रैपर ब्रो, घट्टा किसी ने नहीं किया ब्रो। ये बात लाइक एट सम पॉइंट ये फैक्ट भी है, तो वो होता ना कि जस्ट कांट डिनाई टू अ फैक्ट, कितना ही उसको ये कर लो ब्रो, ट्रोल कर लो या फिर कुछ भी कर लो ब्रो, अ फैक्ट इज अ फैक्ट। ही इज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड लाइक ही हैज मेड दैट सीन, तो उसमें आप लोग कुछ डिनाई भी नहीं कर सकते यार। तो वो फ्लेक्स करता है तो वी ऑल जस्ट कैन एंजॉय टू दैट ट्रैक, दैट्स ऑल मैन। बट यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि यार एमयूए ने ब्रो जिस लेवल पे ये चीज़ को टॉन्ट किया ना सबको कि He is killing with that independent shit. तब से तो ब्रो अलग लेवल पे बज रहा है अभी मैंने। नाइस मैन, दैट्स सो प्राउडली शेड मैन की अच्छा भी लगता है यार देख के कि समवन हैज मेड दिस फार मैन, तो नाइस। नहीं बोलने का है तो फिर असली इंडिपेंडेंट बनके दिखाने का, सोना चढ़ाने का, गहना लगाने का, हर महीना मेरे जैसा बंटाई वीडियो बनाने का, कुल्फी रैपरों को कुल्फा कराने का, समझ में आया क्या? क्या बोलने का बनता है? और वो कुछ भी रैपर का नाम क्या है? एमसी स्टैन। एमसी स्टैन। आल्सो इसके इफ यू गाइस डोंट नो, इसका रिप्लाई में अपने स्टैन ने एक्चुअली जेल में गाने लिख दिए थे। शायद खुजामत था ना उस गाने का नाम, खुजामत वाज अ ट्रैक मैंने जेल पे लिखा। डूड दैट वाज अ क्या ट्रैक था यार, वो भी हम लोग कवर करने वाले हैं यार, वो भी कवर करेंगे हम लोग। सुन
ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा, टांगों को तोड़ूंगा करेगा भंगड़ा, मुर्गी का टंगड़ा, मम्मा मम्मा का जा दूध पी, एक काम कर आके मेरा मूत पी, बस नाके पे रेल फाटे पे और एमसी स्टैंड तू मेरे झाटे पे, तेरे जिसे जितने लोग सोच रखते हैं उन लोग को लटकाऊंगा तराजू के कांटे पे, समझ में आया क्या? आया क्या एलियन के शक्ल के अला जादू? अबे मेरे माँ बाप नहीं बोलते पैसा दे घर पे, तू काहे को टेंशन ले रहा तेरे सर पे, 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ, तू जहाँ पे है उससे भी वहाँ पे हूँ, आके देख जरा कैसे मैं जीता हूँ, बिना शोज किए महंगी चीजें खाता पीता हूँ, जीता हूँ दिखावा नहीं करता, चुप रहता हूँ मैं धावा नहीं करता, तो फायदा उठा रेली पब्लिक, बंटाई की पब्लिक बोले तो तकलीफ, तकलीफ तो होनी है बंटाई हटेला है, जो भी एड़े चाले करता खुले आम पेला है, खेला है खेल मैंने खुद के तरीके से, सबके फ्लो एक ही तरीके के, सबको पता है कौन खुद के बलबूते पे, नंगे पर निकला था लेकिन आज जूते पे, जो भी करता हूँ दिल से करता हूँ, सब कुछ मेरे खुद के कमाई का, गाड़ी ले सकता हूँ फिर भी मैं स्कूटी पे, क्यों? क्योंकि अलग वजह तेरे भाई का, मुझसे कोई नीचे नहीं मुझसे कोई एवरीवेयर, व्हेन इट कम्स टू दिस शिट मैन एवरीवेयर स्लेज ओवर मैन, मेरे को ये सब चीजें बहुत सही लगती है मैन, आई हैव बीन अ फैन ऑफ दिस शिट्स मैन, दैट वो स्वैग लेवल हो गया, चाहे समझो ना ट्रैक लाइक दोस मैन, गलत सीन वो, मुंबई की बोली में रैप करना तुझसे नहीं मुझसे और नेजी से सीख ले, फिर जाके लिखे ले तब जाके दिखे ले, समझ में आया क्या? नेजी को लेकर नहीं आ रहा नेजी का कमेंट तो उधर ये लोग ने पैसा कमा लिया, सब कुछ बना लिया, 4-5 साल के लिए मिलेंगे तालियां, उसके बाद गायब हो जाते बेचारे, इन्हें आर्टिस्ट ना बोलो इन्हें बोलो विजय माल्या, समझ में आया क्या? ये पैसे के पीछे हाँ पागल है, इसलिए मुझे से ना खड़ा कर पाएंगे एम्पायर, मेरा ही स्टेडियम मेरा ही मैच और मेरा ही रूल्स और मैं खुद ही एम्पायर, बैठला मानेंगे ये डिस गाना नहीं है, जिस जिस को लग रहा है ये डिस गाना है, सच्चाई गाना, ये डिस गाना नहीं है, ये सच्चाई गाना है, सच्चाई बोले ले अपुन, बहुत दिन शांत थे लेकिन अभी और शांत नहीं रहूंगा, मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, और कोई है क्या यहाँ पे, है तो बताओ करके दिखाओ मालूम है ना, लेट्स गो ब्रो, दैट वाज सम ओजी एमयूए शिट मैन, इसके बाद शायद शेख चिली है ना, कवर करेंगे हम लोग फॉर श्योर मैन, चैंपियन नहीं हो तो सब्सक्राइब करें ना, इफ यू जस्ट वांट मी टू रिएक्ट मोर ऑफ सच वीडियोस आई विल श्योरली सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन और का भी सीन हो जाएगा मैन, दैट वाज एमयूए, समझ में आया क्या? कमेंट्स मेरे को बताने के आप सभी का क्या रिएक्शन था इस वीडियो पे, अराउंड 3-4 साल पुराने हम लोग गाना देखने वाले, दैट्स 2018 का मैन, तो व्हाट अ जर्नी मैन, व्हाट अ जर्नी एमयूए मैन, हैट्स ऑफ मैन, इसके लिए तो हैट्स ऑफ बनता है ब्रो, व्हाट अ फ्रिकिंग जर्नी, हक से यार हक से, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप सभी का क्या रिएक्शन था इस वीडियो पर, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक गुड बाय सी।